हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। ये खा के भी कैलोरी डेफिसिट में रहा जा सकता है। सो आज 1 जनवरी है, नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। होप के आपके जितने भी सपने हैं अपने फिजिक को लेके, अपने करियर को लेके, वो सारे पूरे हो जाएं इस साल। नया साल और 1 तारीख मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारी मैडम का बर्थडे है आज, और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तेनू पता बाबू, जो मैं तेनू पहली बारी जेडे साल साड़ी पहली बारी गल हुई सी ना, जो मैं तेनू फ़ोन करना सी, मेरे को पैसे नहीं सी है। फ़ोन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इनको फ़ोन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं फ़ोन किया सी तेनू थोड़ी देर बाद, किसी कहीं से छुप छुपा के किसी के लैंडलाइन से मैंने इनको फ़ोन किया था, क्योंकि मेरे पास ना पैसे नहीं थे। तो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, आप सोच रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि थोड़े से कैलोरी डेफिसिट में रह के मैं अभी थोड़ा सा फैट कम करूंगा और इस तरह की चीज़ें खा रहा हूं। इस तरह की चीज़ें खा के भी आप कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हो। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताता हूं कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए अगर आपने सुबह सुबह वर्कआउट करना है ना, तो सुबह सुबह ठंड में अभी सर्दियों में ना वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसको मैं कैसे मैनेज करता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। 4 मेन पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके अगर आपने सर्दियों में सुबह सुबह वर्कआउट करना है। ओके, सो सुबह सुबह जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो आपको बेटर पंप, बेटर मोटिवेशन फील हो, ऐसा ना फील हो आपको कि जैसे अंदर जान नहीं है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, पिछली रात से ही आपके स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। और पहला स्टेप है आपका डिनर। डिनर में अगर आप, जैसे मेरे पास अभी खाना आ गया, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स आपके अच्छे खासे रहेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको जाके कोई पंप, कोई मोटिवेशन, आपको जान महसूस नहीं हो रही। तो कार्बोहाइड्रेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके डिनर में, ठीक है। अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स रखो। और ये भी चीज मैंने एक नोटिस किया कि अगर मेरे कार्बोहाइड्रेट्स डिनर में अच्छे रहते हैं तो फॉर सम रीजन मुझे स्लीप जो है मेरी क्वालिटी वो बहुत बढ़िया रहती है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। ये मैंने बार बार ये चीज नोटिस किया, इसका लिंक जरूर है। जब मुझे ज्यादा इसके बारे में समझ आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन स्लीप का और कार्बोहाइड्रेट का आपके डिनर में इसका कुछ ना कुछ लिंक जरूर है। और अगर स्लीप की बात चल रही है तो ये भी बता दूं कि स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका दूसरा स्टेप है। आपको अच्छी नींद लेने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट करते हो। अगर मैंने ये पर्सनली नोटिस किया कि मेरी जो डीप स्लीप टाइम होता है, मैं फिटनेस ट्रैकर के साथ ट्रैक करता हूँ, अगर मेरा डीप स्लीप टाइम 2-2.5 घंटे से ऊपर चला जाए तो मुझे वो चीज़ अपने वर्कआउट में, मेरी परफॉर्मेंस में वो दिख जाती है। अगर मेरा डीप स्लीप टाइम इससे कम रहता है तो उसका नेगेटिव असर भी मेरी परफॉर्मेंस में, जिम में मेरी परफॉर्मेंस में दिख जाता है। तो ये 2 स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए जो कि आपको पिछली रात को, जैसे मैंने कल सुबह जब वर्कआउट करना है तो आज रात को ही मेरे ये स्टेप्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। पहला स्टेप कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा स्टेप अच्छी नींद, सही। तीसरा स्टेप मैं कल सुबह उठ के आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, जो मैं काम करता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। सो 2 स्टेप हम लोग पूरे कर चुके हैं। दूसरा स्टेप जो था स्लीप का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी टोटल स्लीप थी, यहाँ पे पता नहीं दिखेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। टोटल स्लीप थी 7 घंटे 6 मिनट, उसमें से डीप स्लीप टाइम है मेरा 2 घंटे 34 मिनट। सो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो सक्सेसफुली हो गया कम्प्लीट। तीसरा स्टेप की बारी है, और ये तीसरा स्टेप है बहुत सारा पानी। सुबह उठते ही आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारा मतलब कितना? जितना आप कंफर्टेबली पी सकते हो। ऑफ कोर्स आप 4-5 लीटर तो पानी पियोगे नहीं, पर्सनली मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपकी बॉडी, सुबह आप उठते हो ना तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है। अगर आप डिहाइड्रेशन में जाके जिम में वर्कआउट करोगे आपको उतना अच्छा पंप फील नहीं होगा। आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ फील होंगे, लूज नहीं आप फील करोगे, और पंप शम तो भूल ही जाओ। जब थोड़ी देर बाद मैं जिम जाऊंगा तभी मैं पानी पी के जाऊंगा, और साथ साथ वर्कआउट के दौरान भी मैं पानी पीता रहूंगा। तो ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप मैं जिम में जाके आपको बताता हूँ, सही। ओके, सो 3 स्टेप्स आपके हो गए हैं पूरे। चौथा स्टेप है, वैसे तो जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स इन द डिनर, और नींद का अगर आप ध्यान रखोगे, डीप स्लीप टाइम आपका अच्छा है तो वो भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, आप हाइड्रेशन का ध्यान रखो। ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर आपको उस तरह का पंप फील नहीं होता, उस तरह की मोटिवेशन फील नहीं होती, तो एक लास्ट स्टेप बचता है, एक अच्छा प्री वर्कआउट। एक अच्छा प्री वर्कआउट से मेरा क्या मतलब है, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ सिट्रुलिन मैलेट हो, अच्छी अमाउंट में कैफीन हो, बेटा एलानिन, इस तरह की चीज़ें अगर होंगी
तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी चीज़। तो अभी मेरा चौथा एंड लास्ट स्टेप, मेरा प्री वर्कआउट ये डन हो जाएगा, और चार स्टेप्स अगर मैंने सही से ये वाले कंप्लीट किए तो मेरा वर्कआउट गारंटीड है कि बहुत ही अच्छा जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और अगर ऊपर से ये मैं प्री वर्कआउट डाल लूँगा तो काम हो गया ख़त्म, टाइम फॉर एक्शन। न्याणे पता की कहंदे, सवेरे वर्कआउट करे पंप नहीं आंदा, ऐसे कैसे नहीं आता, कोशिश करनी पड़ती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस्ताद जी अभी यही बात बोल रहे हैं, रात को अगर 12-12 1-1 बजे तक फ़ोन पे लगे रहोगे, सुबह पंप नहीं आना, ठीक है, कोशिश करनी पड़ती है, अपनी टेक केयर करोगे तब ये चीज़ें आती हैं। सही, एक ज़रूरी बात, जो अनुज भाई हैं आपके सिक्स पैक टमी वाले भैया, उन्होंने नया चैनल शुरू किया, व्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ भाई को ताकि उनको मोटिवेशन मिले और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। सही, सो जिन लोगों को व्लॉग्स वगैरह पसंद है, स्पेशली जैसे वो व्लॉग्स बना रहे थे अपने रेगुलर चैनल पर, वो चीज़ आप और ज़्यादा देखना चाहते हो तो सिक्स पैक टमी वाले भैया अनुज त्यागी का चैनल जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो वर्कआउट हो गया डन, जो चार टिप्स आपको बताई हैं, सुबह सुबह वर्कआउट करते हो, अच्छी मोटिवेशन चाहिए, अच्छा पंप चाहिए, आप अच्छा फील करो वर्कआउट करते हुए, तो इन चार टिप्स का ध्यान रखना, बहुत अच्छे वर्कआउट्स जाएंगे। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता शाम को सुबह वर्कआउट करना, ठंड में स्पेशली मुझे पता कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये चार टिप्स आप ध्यान में रखोगे मज़ा आएगा वर्कआउट करने में। मज़े करो, स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे बैडास।